तो मेरे प्यारे एडिटर जनता, भाई आपको भी पता है कि बजट रेंज में ना बहुत सारे लैपटॉप्स अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल भी नहीं है। तो रिसर्च करने में और टाइम चल जाता है और अच्छा लैपटॉप आपको मिल नहीं रहा है एडिटिंग पर्पस के लिए। मेन खास आपका एडिटिंग पर्पस और आपको लैपटॉप नहीं मिल रहा, तो भाई लोग कैंसल क्यों ले रहे हो, टिकट यार इधर हियर। तो देख सकते हो गाइस, आपके लिए दमदार लैपटॉप्स लेकर आ गए। देखो भाई, सिनेमैटिक शॉट्स आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, वीडियोस विजुअल्स वगैरह देख सकते हो। तो गाइस ये देख सकते हो, पूरा ब्यूटीफुल सा व्हाइट कलर में आपको एडिटिंग बेस्ट लैपटॉप मिलता है ऑन बजट में, आपके बजट रेंज में। सारा कुछ बताऊंगा स्पेसिफिकेशन के साथ, बहुत ही दमदार लैपटॉप 2 months से यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस इस पे मैं खुद आफ्टर इफेक्ट्स डावेंची प्रीमियर प्रो यूज कर रहा हूँ। भाई साहब इतना हार्डकोर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ और सॉफ्टली रन हो रहा है। भाई इसमें स्पेक्स बहुत दमदार है एंड वेट भी दमदार है, तो वेट बहुत लाइट वेट है एंड गाइस इसका प्राइस भी बहुत लाइट वेट है, समझे, ठीक है। तो एडिटर जनता समझ रहे हो ना आप अच्छे से कैसा लैपटॉप लेकर आया हो, देख सकते हो भाई। चलो फिर सबसे पहले गाइस इसका स्पेक्स मैं बताता हूँ, उसके बाद गाइस आपको टेस्ट वगैरह सारा कुछ दिखाऊंगा, रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा, उसके बाद आप डिसाइड करना कि इस लैपटॉप को ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। एंड गाइस बहुत ही हैवी लैपटॉप है, लुक भी बहुत सा अच्छा है, देख सकते हो आप पूरा प्रॉपर, ठीक है। अगर विजुअल्स आपको दिख रहा होगा तो विजुअल्स में आप देख सकते हो कितना तगड़ा लुक है। तो गाइस इसमें प्रोसेसर आपको Ryzen 7 का 5100H सीरीज का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। एंड भाई लोग इसमें आपको 16GB का रैम मिलता है, ठीक है, आप 32GB वगैरह एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंडेबल आप बहुत ज्यादा कर सकते हो, 64GB 120GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इसमें SSD आपको 512GB देखने को मिलता है, ठीक है, 512GB का SSD देखने मिलता है, हार्ड डिस्क नहीं मिलता, ठीक है। और एक चीज बता दूं, गेमिंग लवर वालों के लिए, फिर एडिटिंग लवर वालों के लिए थर्मल कूलिंग सिस्टम इसमें अवेलेबल है। एंड गाइस 15.6 इंच का फुल HD IPS LCD के साथ आपको देखने को मिलता है, और इसमें भाई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दी गई है, ठीक है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो कि गेमिंग वालों के लिए एडिटिंग वालों के लिए बेस्ट होती है। एंड आपको इसमें गेम शिफ्ट वगैरह भी दी जाती है। एंड बात करूं गाइस ग्राफिक्स का, जो कि सबसे मेन होता है ना, तो गाइस इसमें ग्राफिक्स आपको जो कि सबसे ज्यादा मेन होता है एंड मीडिया की तरफ से देखने जाता है, RTR 350 आपको ग्राफिक्स देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ही हाई ग्राफिक्स है एंड आपको इजीली ये सब सॉफ्टवेयर रन कर देगा, ठीक है, अच्छे से आप एडिटिंग वगैरह कर पाओगे। एंड गाइस दमदार लुक है। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले देख सकते हो, बेजल ना के बराबर है, ठीक है, आपको अगर मैं स्क्रीन पे सही से मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो बेजल बहुत ही कम है, फोकस ले लिया भैया, फोकस ले लिया, ठीक है, देख लो, तो बेजल्स बहुत कम है एंड बेजल्स इतना ज्यादा कम है ना कि इतना अच्छा आपको मॉडल लगता है। 2022 का लेटेस्ट है एंड लुक आपको व्हाइट कलर में बहुत अच्छा देखने मिल जाता है। इधर देख सकते हो आप कूलर वगैरह आपको मिल जाता है, इधर साइड वगैरह पूरा हीट वगैरह होगा, सारा कुछ धन धन करके निकलेगा, ठीक है भाई। स्पीकर आपको इसको फ्रंट में दी जाती है एंड सारा यहाँ पे केबल वगैरह देखने मिल जाता है, थर्नेट वगैरह सारा सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस ये इसका स्पेक्स था, ठीक है। एंड गाइस इस लैपटॉप का मॉडल कौन सा है सारा कुछ मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियोस को बने रहो। चलो फिर गाइस इसका टेस्ट करते हैं, प्रोसेसर वगैरह ग्राफिक्स वगैरह सब आपने स्पेक्स वगैरह जान लिया, ठीक है, अब इसका टेस्ट करते हैं रियल टेस्ट में, क्या विनर होती है एंड गाइस क्या ये सक्सेसफुल एक एडिटर के लिए है, सक्सेस है एडिटर के लिए, चलो बताता हूँ आगे। देन गाइस चलो टेस्ट की तरफ आ गए हैं एंड गाइस सबसे पहले प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे एंड देखते हैं ओपन होने में कितना टाइम लगाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मैं टाइमर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरे टाइमर यहाँ पे लगा चुका हूँ, ठीक है, स्टार्ट करूंगा अभी, जैसे ही प्रीमियर प्रो पे मैं क्लिक करा एंड गाइस यहाँ पे टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूँ भाई, स्टार्ट, ठीक है, तो टाइमर स्टार्ट हो चुका है एंड देखते हैं कितने सेकंड में मेरा प्रीमियर प्रो ओपन होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियर प्रो मेरा ओपन हो चुका है, प्रोजेक्ट वगैरह लोडिंग रहेगा, ठीक है। तो गाइस 10 सेकंड के अंदर मेरा प्रीमियर प्रो ओपन हो गया, ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पर आपने देख लिया, ठीक है ना। तो लाइव प्रैक्टिकल का आपको दिखा दीजिए, बहुत फास्ट है ये लैपटॉप, अब इसको परचेस कर सकते हो एडिटिंग के पर्पज के, बट आगे खेल आता है ना भाई, आगे ना खेल है। अब चलो मैं आपको एडिटिंग करके दिखाता हूँ और गाइस एक्सपोर्ट करके रेंडर करके आपको दिखाऊंगा कितने मिनट में और कितना देर का प्रोजेक्ट कितने मिनट में आपको रेंडर करके देती है ये लैपटॉप। गाइस यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, आपको सिंपली फास्ट फॉरवर्ड आपको दिखा दूंगा, ठीक है, वरना वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने टाइमलाइन को एडिट कर चुका हूँ, मेरा टाइमलाइन टोटल 15 मिनट 43 सेकंड का बना है, ठीक है, जितना मेरे को चाहिए था उतना कर लिया है, ठीक ना। अब गाइस मैं इसको रेंडर पे लगाऊंगा, ठीक है, एक्सपोर्ट पे लगाऊंगा, टाइमिंग दिखाऊंगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं टाइमर ओपन कर लेता हूँ, देन गाइस यहाँ पे मैं साइड में टाइमर लगा दिया हूँ, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे मैं टाइमलाइन को सेलेक्ट करके सबसे पहले मैं कंट्रोल एम करता हूँ, ठीक है। एंड गाइस कुछ सेटिंग्स वगैरह फटाफट कर लेता हूँ, जो कि मेरा सेटिंग्स वगैरह चलो सही है, सही है, चलो बिटरेट डाल दिया, ठीक है, परफेक्ट है। व्यूज मैक्सिमम रेंडर बिटरेट को मैं VBR 1 पास मैंने CBR कर देता हूँ
20, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लिया गाइस एंड एक्सपोर्ट पे लगाऊंगा। सबसे पहले एक्सपोर्ट पे लगा दिया एंड गाइस यहाँ पे क्लोक मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस मेरा यहाँ रेंडर लेना स्टार्ट हो चुका है एंड गाइस यहाँ पे क्लोक में स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। टाइमर मेरा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 2-4 सेकंड ऊपर नीचे होगी, बाई बाई टाइमर सही है, ठीक ना। देन गाइस यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग बता रहे 11 मिनट्स, ठीक है। तो 15 मिनट्स का क्लिप्स में मेरे को 11 मिनट एक्सपेक्टेड टाइम बता रहा है, एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है। तो गाइस वेट कर लेते हैं हम लोग कितना जल्दी होता है एंड लाइव फिर आपको दिखाता हूँ। टोटल कंप्लीट गाइस यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटेड हो गया। 6 मिनट 25 सेकंड में मेरे वीडियो से एक्सपोर्ट हो चुका है, देख सकते हो योर वीडियो वाज एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। 6 मिनट 25 सेकंड में मेरा 15 मिनट का टाइमलाइन वीडियो एडिट हो चुका है। 16 मिनट का था एक्चुअल, 15 मिनट 43 सेकंड का था, तो 16 मिनट का था। और एक चीज बता दूं गाइस, मे बी आपको पता होगी, ठीक है, इस चीज के बारे में। जैसे आपका एक्सपोर्ट पे लगा दिया ना, तो उसके बाद आप चेक कर सकते हो टास्क मैनेजर में जाकर। सिंपली यहाँ पे नीचे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे टास्क मैनेजर में चले जाना, टास्क मैनेजर में जाके यहाँ परफॉर्मेंस में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका सीपीयू कितना चल रहा है, मेमोरी कितना चल रहा है, ग्राफिक्स कितना चल रहा है, ठीक है। तो सारा कुछ टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा भाई कौन चीज यूज हो रहा है, कौन चीज यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके तरफ से आपको प्रॉब्लम्स को यहाँ पे पता करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो देख लिया आपने गाइस कितना इजीली मेरे को तुरंत रेंडर करके दे दी 15 से 16 मिनट का वीडियो सिर्फ 6 मिनट में, ठीक है। तो लैपटॉप बहुत ही दमदार लैपटॉप है ये एंड इसका मैं गाइस प्राइस वाइज बता देता हूं आपको। सो गाइस इसका जो प्राइस चल रही है ना इस लैपटॉप का भाई, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लैपटॉप है, आपको मैकेनिकल कीबोर्ड वगैरह मिल जाता है। और एक चीज बता दूं गाइस, इसमें ना आपको हीटिंग उतना ज्यादा इशू देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये जो प्राइस है गाइस, ये लगभग 90,000 के अंडर आपको मिल जाती है। 16 GB रैम, स्पेक्स वगैरह सारा कुछ मैंने बता दिया था आपको। लेटेस्ट है गाइस Ryzen 7 का मिल जाता है आपको, 5800 सीरीज वाला। तो बेस्ट है गाइस, बहुत ही दमदार लैपटॉप है, एडिटिंग के लिए मास्टरमाइंड है, तो आप इसको ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशन कर देना। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और